रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। नाज़रीन, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में बेहतरीन अमल लेकर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह 2 मिनट के अंदर किसी भी मरीज का मर्ज मालूम कर सकते हैं कि इनके ऊपर जिस्मानी मर्ज है या फिर रूहानी मर्ज है। अगर जिस्मानी मर्ज है तो वह कैसा मर्ज है, अगर रूहानी मर्ज है तो क्या मर्ज है, क्या इन पर जिन्नात कोई मुसल्लत है या कोई खब्बीस का साया है या फिर जादू टोना टोटका या किसी भी तरीके का कोई मामलात है। अगर जिन्नात है या खब्बीस है तो इस अमल के ज़रिए से 2 मिनट के अंदर जो भी चीज़ है वह चीज़ उनके जिस्म पर हावी हो जाएगा और मरीज़ के ऊपर हाजिर होकर आमिल से मुखातिब होगा, अपना तारीफ़ कराएगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और क्या चाहता हूँ। नाज़रीन, अगर आप इस अमल को कंप्लीट तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, जो अमल मैं आपकी खिदमत में बताने वाला हूँ ये एक नक्श है और इस नक्श का कोई चाल नहीं है। अगर आप आमिल नहीं हैं तो आप भी इस नक्श के ज़रिए से फ़ायदा उठा पाएंगे, या अगर आप आमिल हैं तो आप अपने मरीजों की तशखीस के लिए इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नक्श के इस्तेमाल करने के लिए किसी से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा नक्श है जिसके ज़रिए से कोई भी खब्बीस अरवाह या जादू टोना टोटके का असर तुरंत जाहिर होने लगता है। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह नक्श आपको आतिशी चाल से पुर करना है। एक ही लफ्ज़ आपको लिखना है, लश्करे फिरौन हाजिर शुद। आप एक बात याद रखें, कोई भी खब्बीस या कोई भी जिन्नात या कोई भी ऐसी चीज़ अगर किसी पर हाजिर होता है और मरीज़ को उससे तकलीफ़ होती है तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अच्छे जिन्नात किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं और कोई भी जादू अच्छा नहीं होता है। लिहाजा इस नक्श में जो नाम लिखे गए हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ये खब्बीस को हाजिर करने के लिए या निजासत वाले अमल को हाजिर करने के लिए, तो आप इस नक्श को आतिशी चाल से पुर करें। अब आतिशी चाल स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे एक लिखा है वहाँ पे पहले आप लश्करे फिरौन हाजिर शुद लिखें, जहाँ पे 2 लिखा है उसके बाद आप लिखें। इसी तरह तरतीब वार यहाँ पे 1 से लेकर 16 खाने हैं, 16 खाने को पुर करें। नाज़रीन, एक बात वजाहत कर दूँ, ये नक्श आप तभी पुर करें जब आपके पास कोई मरीज आए या आप चाहते हैं कि मैं अपना तशखीस करूँ, तो ऐसे में ज़रूरी है कि कोई दूसरा बंदा भी होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप ख़ुद से तशखीस करेंगे, आपके ऊपर अगर सवारी आ जाएंगी या आपके ऊपर जो भी आसरात है वो हाजिर हो जाएगा, तो ऐसे में दिक्कत होंगी कि कौन संभालेगा। लिहाजा अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो कि आमिल है तो बेहतर है कि आमिल के सामने हाजिरी कराएं या आमिल यह काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, आपको नक्श उसी वक्त लिखने हैं जब आपके सामने मरीज़ आए। आप नक्श को लिखते रहें और मरीज़ की तरफ देखते रहें और मरीज़ से ये कहें कि मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो। कुछ ही देर में नक्श आपका मुकम्मल होने की भी देरी नहीं है, मैंने आजमाया है कि मरीज़ के सर पर हावी हो जाता है। अगर मरीज़ के सर पे कोई खब्बीस जिन्नात या अरवाह बद या किसी भी तरीके का कोई खलल आसेब है तो ऐसे में मरीज़ के सर पे हाजिर हो जाएगा और वो बात करेगा। फिर आमिल चाहें तो उसे बंद कर सकते हैं, आमिल चाहें तो उसे जला सकते हैं। अगर मरीज़ के सर पे कोई भी चीज़ हावी नहीं होता है, सिर्फ कंधे भारी हो रहे हैं या सर भारी होने लगता है, तो ऐसे में समझें कि मरीज़ को नज़र बद की शिकायत है या जादू का मसला है। अगर मरीज़ को कुछ भी फ़र्क महसूस न हो तावीज़ लिखने से,
तो ऐसे में आप आगे की प्रोसेस ये कर सकते हैं कि जब नक्श को आपने कंप्लीट लिख लिया तो मरीज के सर में कुछ देर तक रखें, कम से कम 2 से 4 मिनट तक। जब आप उसमें रखेंगे तो कुछ ही देर में या तो हाजिर हो जाएगा या जादू की जो अलामतें हैं, सर भारी होना, कंधे भारी होना, घबराहट, बेचैनी होना, ये सारी अलामतें जाहिर होंगी। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझें कि मरीज के ऊपर जादू का मसला है। नाजरीन, तीसरी चीज़, अगर कोई भी फ़र्क महसूस ना हो, मरीज़ को कोई भी तब्दीली महसूस ना हो, तो आप ये समझें कि मरीज़ जिस्मानी मर्ज है, लिहाजा इसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। नाजरीन, ये एक छोटा सा और बहुत ही पावरफुल आसान अमल है। अगर आपने इस तरीके से काम लिया तो बहुत ही आसान तरीके से मरीज़ की मर्ज तशखीस कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।